दोस्तों प्रेम कहानियां हमारी बॉलीवुड फिल्मों का जान रही हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी औरों में कहां दम था जल्दी ही सिनेमाघरों में आने वाली है और उसके दो बहुत ही खूबसूरत कलाकार शांतनु महेश्वरी और सई मांजरेकर हमारे साथ है इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए। तो शांतनु सई, जो लव स्टोरी होती है उसमें केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस फिल्म में अपनी केमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने क्या काम किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? वो तो आपको 2 तारीख को पता चलेगा पर हमने कितना काम किया इन टर्म्स ऑफ वी हैड few series of workshops around approximately 2-3 months I think 2 months ka rigorous workshop tha hamara, so that is where we kind of try to get into the character and get the chemistry out so that wo intensity match ho for later half or not later half actually but lab tabu ma'am and Ajay sir ki jo main chemistry ho usko match karne. पहली बार आप लोगों की मुलाकात हुई होगी इसमें, राइट? हां, तो इसलिए और भी ज्यादा मतलब एक इस तरह की फिल्म बिकॉज़ एक इंटेंस लव स्टोरी है, तो उसको समझना एक दूसरे को और सब उसमें सही नहीं, आई थिंक वो तो वर्कशॉप नहीं कर लिया था, इन जनरल इन पर्सन हम बहुत टाइम पास करते हैं वैसे, बट तो सुबह आपको आना पड़ता है वर्कशॉप में ऐसे, तो आप हर फेस देख लेते हो इंसान का. हमने बहुत वर्कशॉप में भी हमको बहुत कराया है, यू नो, वन टाइम वी आर जंप अप एंड डाउन, तो ऐसे बहुत ऐसे एक्सरसाइजेस हमने, हां, तो आई थिंक दैट हैज ओपनड अस अप इन जनरल, एंड देन यू गेट टू सी ईच अदर्स जो भी है मतलब साइड थोड़े बहुत जो आपको दिखने मिलते हैं, शेड्स हम दिखाना चाहते हैं, हां, शेड्स दिख जाते हैं. So, what was the special thing about the film? And आप लोगों काम कर सेट पे क्या, क्योंकि अजय एंड तब्बू दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, उनके साथ कुछ आपका आपने टाइम स्पेंड किया या उनसे कुछ सीखने मिला ड्यूरिंग द शूट? ऑन शूट इतने इंटरेक्शन नहीं हो पाई उनसे, बट जो भी, बट वी गॉट टू सी देम परफॉर्म व्हाइल दे वर देयर ऑन द सेट, सो वो एक आई थिंक मेरे लिए बहुत कुछ सीखने को मिला, ऑब्जर्व, इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि एग्जैक्टली आपने क्या पिक किया, बिकॉज ऐसा नहीं होता है, या फ्यू ट्रेट्स दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड, लाइक अजय सर जब परफॉर्म करते हैं एक कामनेस है उनमें, जब वो रिलैक्स होकर करते हैं, मतलब अब सीन अप्रोच जो होता है एक सीन का बहुत ही रिलैक्स वे में लगता है मुझे, विच आई थिंक कम्स विद एक्सपीरियंस आई गेस, एंड मे बी वो कॉन्शियस रहते होंगे कि हमको रिलैक्स करना है, देन यू नो डू द सीन और एनीथिंग. But yeah, apart from that, if Sai wants to add something. No, 100%. Just observing them on set was a learning experience in itself. कितना कुछ सीखने को मिलता है जब वो कैमरा के सामने आते हैं और इतने easy तरीके से you know अपने character को निभाते हैं, तो it's very very inspiring to watch them. Unfortunately, we didn't get to spend much time with them on set. But even after that, जो भी हमारे interactions रहे promotions के दौरान, they've just been the sweetest, the kindest. So I think that is also how humble they are, how down to earth they are, even after reaching that kind of stature and position in life, is also very inspiring. Say, आप अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं, from दमन 3 to औरों में कहां दम था, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को देखती हैं, and as an actor, better करने के लिए, improve करने के लिए क्या क्या करते हो? मैं कोशिश तो वही जा रही है कि हम रोज बेटर करें, इम्प्रूव करें अपने आप को, बट आई थिंक मैं अपनी जर्नी को कैसे देखती हूँ, आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी तक मुझे बहुत कुछ करना है, और तो अभी तक जो है अभी तक मेरा फाउंडेशन ही सेट हो रहा है, आई हैव नॉट स्टार्टेड टू बिल्ड ऑन इट येट, एंड आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो आई थिंक दैट ओनली कम्स विद द राइट मूवी चॉइसेस, द राइट रोल्स, द राइट स्क्रिप्ट्स, एंड वही करने में लगे इसमें, बिकॉज आप तो ऐसे मतलब आपके सिनेमा के माहौल में बड़ी पली बड़ी है, इतनी बड़ी हुई है, तो उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो दोनों ही से आप रूबरू हुए होंगे, ऑब्वियसली जब पेरेंट्स वो चीज़ों से गुजरते हैं तो आप देखते हैं उसके हाइज भी, उसके लोज भी, करेक्ट है, तो वो आपने क्या पाया कि क्या अच्छी बात इसके बारे में रही, क्या आपको थोड़ा जो ऐसा लो चीज़ें आपको पता चली ड्यूरिंग? नो, आई थिंक सभी अच्छी बातें, जो भी मॉम डैड ने मेरे को बताया है बचपन से कि ये अच्छा है ये बुरा है, आई फील लाइक देयर वाज सो मच क्लैरिटी गोइंग इन कि ये भी हो सकता है, इट्स नॉट ऑल लाइक नॉट वेग आंसर, फेलियर, देयर इज अ लॉट ऑफ फेलियर, इट्स फ्राइडे टू फ्राइडे एंड इट्स नॉर्मल, लाइक इट्स नॉट कि अनहर्ड ऑफ है, मतलब यू आर प्रिपेयर्ड फॉर, हां, तो आई फील लाइक दैट प्रिपरेशन, दैट मेंटल प्रिपरेशन बचपन से ही था कि ये भी है, इट्स नॉट ऑल ग्लैमर एंड ग्लिट्स एंड फन एंड दिस इज अनदर साइड टू इट व्हिच आल्सो हैज टू बी एक्सेप्टेड अलोंग विद दिस इफ यू वांट इट.
सो आई फील लाइक दैट समझ बचपन से ही थी एंड आई फील लाइक इट्स अ गुड थिंग टचवुड दैट आई गॉट टू डाइजेस्ट दैट एंड काइंड ऑफ मेक माय पीस विद इट अर्लियर देन लेटर. अच्छा ये जैसे हमारा ये लव स्टोरी है जो लव पोर्शन है वो बहुत बहुत उभर के आ रहा है जैसे इतना ट्रेलर में हमने देखा. आप लोग के लिए अगर मैं बोलूँ कि क्या है इश्क के जो मायने हैं जिस तरह के ये है कृष्णा एंड वसुधा वसु तो कितना रिलेट किया आप लोगों ने, आप लोगों के लिए प्यार क्या मायने रखता है, क्या है? बोलते ना आज के जनरेशन में प्यार बदल गया है आज के दौर के लिए. ट्रू लव का मीनिंग मुझे अभी भी लगता है कि सेम ही होगा. आई थिंक इट्स एक अलग लेवल का पैशन है इन दोनों के बीच में, कृष्णा और वसु के बीच में. वो लव में बहुत ही अलग लेवल का पैशन है, सैक्रिफाइस है. एंड शांतनु के लिए प्यार क्या है, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए भी काफ़ी सिमिलर है. आई थिंक दैट इंटेंसिटी नीड्स टू बी देयर फॉर द वन हु यू लव. अब उसको किस में आंकना है वो सिचुएशन टू सिचुएशन होता है. ऐसा नहीं है कि एक ही मोल्ड है जिसका आप बना कर यही मंत्र है कि आपको ऐसे फॉलो करना है, ऐसा तो है नहीं. बट सिचुएशन टू सिचुएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिस्पेक्ट, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर. आई वुड से कि एक दूसरे को पूरा करते जो बोलते हैं ना कि वैसा होना चाहिए. सो यार दैट इज गुड. सही आपके लिए? मेरे लिए प्यार क्या मायने रखता है, इश्क क्या है? आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. आई फील लाइक वो एक चीज़ है विदाउट विच यू विल नेवर बी एबल टू लिव अ फुलफिल्ड कंटेंट लाइफ. लव इन एनी वे, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर सिग्निफिकेंट अदर, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर. एंड आई फील लाइक वो जो फीलिंग होती है द फीलिंग ऑफ कम्फर्ट ऑफ लव इज़ लाइक ईटिंग. अगर आप बाहर जाते हो और 20 दिन दाल चावल नहीं खाते और घर आके जो दाल चावल खाते हो, दैट फीलिंग ऑफ कम्फर्ट ऑफ वॉर्म्थ, इफ़ यू फील दैट विद अ पर्सन देन दैट्स लव एंड दैट्स इट. अच्छा आप अग्री करते हो क्या दोनों की जिस जो बोले कि अब वो प्यार मतलब आज की जनरेशन बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती है और मतलब मैं तो नहीं करती, आप भी नहीं करते? आई थिंक agree मतलब as in it Absolutely. as I said like people each to its own that, each to its own abhi yes I mean with आप बोलेंगे जो apps आ गए हैं तो उसी हिसाब से अगर आप बोल रहे हो तो but it's something which was need of the hour maybe for this generation. There's always been that हाँ मतलब वो इतना out there नहीं था, वो maybe extrovert के लिए था. Introvert घर पे बैठ के भी शायद कर सकता है वो app में अपना time pass, इसमें तो कर ही सकता है कि right और left करने में तो कोई problem है. Correct, but love as a feeling is very universal. That definition can never change. Never change, yeah. Agar true love hai, toh definitely it will never change, I feel, yeah. And that's why, as you said in the start of the interview, ki that's what defines cinema, you know. So yeah, wo universal feeling. Aap log grown up hue hain wo Bollywood ki jo love stories ko lekar ke wo sab cheezon ko. Main itna filmy nahi hu, but yeah, I mean she has. Okay. Everything I know about love, mujhe lagta hai main filmon se hi seekhi hu. And that sometimes I feel like that is also a crazy kind of balance that you have to strike because then you expect too much out of the other person. Mm-hmm. कि फिल्मों में आप ये सब romantic gestures देखते हो and then real life में से ऐसे हो जाता है. So you have to kind of know where to draw that line between main character energy and real life. So अच्छा एक डिफरेंट चीज़ मैं और डिस्कस करने चाह रही हूँ. आप लोग जान रहे हो कि AI की जो बहुत चर्चा हो रही है इंडस्ट्री में सिनेमा को लेकर के एंड अभी जैसे ऐसे करते जैसे आप लोग यंगर वर्जन प्ले कर रहे हो. हाँ बोला जाए कि फ्यूचर में तो एक्टर के यंगर AI फोटो से हो जाएगा. करेक्ट, जैसे हिंदुस्तानी 2 इज डन कमला सन्नी का थोड़ा रेट्रो. ये किस क्या सोच है आपकी इस बारे में, कितना थ्रेट मानते हैं या क्या बदलाव जो चीज आप लोग सुन रहे हो? थ्रेट मानते हो या किस तरीके से आप देख रहे हो I don't know, the just the rawness and how organically a person can emote, tum kitna hi karoge AI ke sath. And plus I feel like with this story is because the younger characters were also important to kind of set a foundation. Yeah. You can't risk it looking like oh kuch alag dikh raha hai. Concentration aapka usme chala jayega ki are VFX sahi se nahi hua, are wo idhar pe ye. I think it was depends on film to film. If a film demands AI and wants the same person to look younger, then understandable. Usme humko threat nahi hai waise. Agar hai to pata nahi phir ladna padega. I don't think it totally depends. There's a technology, it totally depends how you use it. I mean yes, I mean wo kya wo deep fake bhi ho sakta hai and aap creatively भी उसको use कर सकते हो. So threat I don't know mainly. I mean अगर गलत हाथ में पड़ गया तो threat भी है, but if used rightly then जो हम creative
क्रिएटिविटी जो है उसको और एनहांस कर सकता है उसको। शांतनु, गंगूबाई में आपने सुपर्ब काम किया, बहुत सारी आपको तारीफें मिली होंगी, क्या कुछ बदला है? I like how she changed it. आपको तारीफ मिली होंगी, मतलब ये खुद तारीफ है। मैं तो मैंने सुपर्ब काम किया, वो मेरी तारीफ थी और बाकी आपको सब बहुत सारे लोगों से तारीफ। प्लीज कंटिन्यू। क्या कुछ बदला है आपके लिए एज एन एक्टर आफ्टर दैट? रिकॉग्निशन, आई मीन इन शॉर्ट अगर आई हैव टू से, रिकॉग्निशन, एक अलग लेवल का रिकॉग्निशन मिला है बिकॉज़ ऑफ गंगूबाई। Because the film has did very well, and you know, it was a good film, very good film. So I mean, I got a chance to play the part that I played, and the songs really worked well. So I think overall recognition ek badh gaya. And sorry, ek bolte na ki stamp of actor that you know he can play different roles as well. Pani? Nahin, yeah, so ek thappa of an actor in terms of he can play different roles and he can act as well, just not dance based roles that that he can, you know, do. In dance ke liye time milta hai, because usse wala matlab dance, yeah absolutely, matlab abhi main dance kar raha hu. I've done a show jiske bare mein baat bhi ki, the campus beats ke bare mein, so I make sure that I do dance. So first actor hone ka ek fayda ek nuksan aap kya mante ho? बहुत जगह आपको फ्री लंच डिनर मिलता है। ऐसे जोर से नहीं बोल सकते। आप बोलो। फायदा अब नुकसान सोचो अभी। फायदा इज द लव, नुकसान इज द ट्रोलिंग, इट्स लाइक इन इक्वल मेजर। ऑब्वियसली मतलब फायदा ये है कि यू गेट टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल हु यू कांट अदरवाइज, आई फील, सो दैट्स अमेजिंग कि आपका काम कहाँ तक पहुँच सकता है, सो दैट्स वंडरफुल टू सी। नुकसान, यू हैव टू गिव अप ऑन योर बिट ऑफ पर्सनल लाइफ, आई वुड से, यू नो, समटाइम्स व्हेन यू बिकम अ पब्लिक फिगर, एनी पब्लिक फिगर फॉर दैट मैटर, जस्ट नॉट यू नो इन दिस इंडस्ट्री, एनी पब्लिक फिगर। ट्रोलिंग बॉदर करती है ऐसा बोला? नहीं, एक्चुअली मेरा आंसर मैं चेंज करती हूँ, ट्रोलिंग डजंट बॉदर मी दैट मच, आई इनफैक्ट रियली हैव फन विद इट, आई व्हेन आई सी दोस कमेंट्स आई एम जस्ट लाइक ये देख क्या बोला। सो आई थिंक आई एम गोना से दैट अ गुड थिंग इज दैट यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू बी अ वॉइस फॉर सो मेनी पीपल, अ बैड थिंग इज समटाइम्स आप कुछ गलत बोल देते हो तो वो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो जाता है। Yeah. तो बहुत सोच समझ के बोलना, मतलब बीइंग अ पब्लिक फिगर। हां, और मैं सोचती समझती नहीं हूं ज्यादा। अच्छा, इसमें इश्क जो है वो ताकत भी है कमजोरी भी है, आप लोग की ताकत क्या है कमजोरी क्या है, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या मानते हो अपना? इन जनरल बोल रहे हो ना? ओके, इन स्ट्रेंथ, माय स्ट्रेंथ इज आई थिंक माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके बिना मैं कुछ ना कर पाऊं लाइफ में, एंड माय वीकनेस इज फूड। वीकनेस इज फूड? फूड, पेट पूजा। Oh, and my weakness will be, I can't express that much. So वो मेरी weakness लगती मुझे. And strength मेरी होगी, I would also say like friends and family. I think that really, हम उसको कम दर्जा देते हैं at times, I feel, but that is very important. End up taking it for granted. Yeah, about, yeah. But it's very important and that helps you to keep grounded and sane at times. Yeah. अच्छा, मूवी में जैसे कृष्णा की एक कमजोर, एक मतलब एक कमी में बोलूंगी, अग्रेशन है शायद उसको, उसको ना गुस्सा जल्दी आता है। आप लोगों की कोई ऐसी, मतलब कोई ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहोगे? तो मैं रात को लेट सोना, आई वुड लव टू गेट स्लीप अर्ली इन द नाइट, भाई भगवान प्लीज मेरे को जल्दी नींद दिलाना, मेरी एक हैबिट, मेरा पूरा घर खुश हो जाएगा उसमें, मैं भी नहीं। मेरी एक हैबिट जो मैं चेंज करना चाहूंगा, आई थिंक आई कांट थिंक ऑफ इट राइट नाउ, आई यू सो परफेक्ट, यू जस्ट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, आई जस्ट कांट थिंक ऑफ ऐसा कुछ है, हां मैं ऐसे नहीं ध्यान आ रहा, लेट मी थिंक, प्लीज हेल्प मी आउट, देयर नथिंग, आई कांट थिंक ऑफ। बोलती है
कोई चाहिए नहीं मैं चेंज कर रही हूं फेथफुल एंड लॉयल मीन द सेम थिंग सो लॉयल फनी काइंड ऑलमोस्ट सेम हो गया एक सलाह जो आपको जिसको आपने गांठ बांध लिया हो कि मतलब जो बहुत पते की मैं भी आपको अपने पापा से मिली हो एज एन एक्टर आपको संजय सर से या कहीं से मिली हो Something that I don't let go of in my head is always जो पापा ने मुझे बोला था कि whenever you leave for work घर के problems घर में रखो and whenever you come back from work बाहर के problems बाहर रखो because then only you'll maintain sanity वरना तो पागल हो जाओ कर लेते हो because you're हाँ मैं ठीक हूँ एक है जो भी करो 100% दो I mean if you are in it just go all out फिर ये मत सोचो कि यार नहीं मुझे इतना ही करना है मुझे उतना ही करना है आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव काइंड ऑफ ट्राई टू फॉलो एंड एक भगवद गीता में लाइन है कि कर्म करते जाओ फल की चिंता ना करो सो दैट इज समथिंग दैट आई ट्राई सो वी आर एंडिंग विद दिस ग्रेट नोट कर्म करते रहिए उसका फल मिलेगा ही मिलेगा और बहुत मीठा मिलेगा ऑल द वेरी बेस्ट गाइस या थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर द सेट